और गला स्मूद कब नहीं बनता है? जब चलते रियाज में पानी पी लेते हो। गरम तवे पे दो छांटे मार के देखना, या गरम बल्ब पे दो छांटे मार के देखना, जो बल्ब ऐसे हो जाएगा ना, फ्यूज हो जाएगा। वही हालत हमारे गले की होती है जब चलते रियाज में, रियाज के दौरान पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, गर्म गला जो है वो ऐसे खराब हो जाता है, खराश पैदा होती है उसमें, यानी जो स्मूदनेस है गले के अंदर से इंटरनल, वो खराब हो जाती है। तो पानी नहीं पीना। फिर एसिडिटी हो जाती है कई बार गाते गाते, है ना, वो कैसे होती है, भरे पेट गाना गाने लगते हैं। खेल खेल में जाने कितनी धनुहियां तोड़ डाली मैंने, खेल खेल में। खराश ठीक कैसे करें, उससे पहले ये जवाब ले लीजिए कि खराश हो ही कैसे ना। जिसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से पहले होना चाहिए, तो इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। एहतियात यानी प्रिकॉशन, सावधानी रखना, है कि नहीं? तो कुछ कुछ सावधानियां हैं, अगर वो आपने रख ली कि ये प्रिकॉशंस रखोगे तो बीमारियां ही नहीं होगी, बीमारी नहीं तो इलाज कैसा, है कि नहीं? ये खराश ठीक कैसे करना, खराश एक बीमारी है, बीमारी यानी ये दिक्कत है आपकी, इसको ठीक करने के लिए आप सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको इलाज बताऊं, इससे बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे होगी ही नहीं। अगर कोई चीज कर लो, ये चीजों का ध्यान रखो, तो ये आपके खराश होना ही नहीं, पैदा ही नहीं होगी, तो फिर ठीक क्या करना, ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं आएगी। और वो चीज है, सबसे पहले तो आपका करेक्ट पिच। अगर आप करेक्ट पिच से रियाज करते हैं, करेक्ट वॉइस रेंज में रियाज करते हैं, तो खराश नहीं होती है। अगर आप ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे खरज में, मंद्र सप्तक में, जो कि आपकी वॉइस रेंज में नहीं आता है, या ज्यादा ऊंचा गाने की कोशिश करेंगे जो आपकी वोकल टोन के खिलाफ है, तो खराश पैदा होती है। खराश किसे कहते हैं? ये ख ख ख ख, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, उर्दू का लफ्ज़ है ये ख, जिसमें नीचे नुक्ता लगता है, इसे कहते हैं खराश। अब ये सीधा साफ साफ है, अब ऐसे बोलूंगा तो ये खराश है। तो ये कहाँ से आ रही है? गले में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ टॉन्सिल है, है ना, या जो आपका सलाइवा है उससे स्किन से टच होके कुछ ये क्रिएट हो रहा है, ये साउंड जो है ये क्रिएट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? जब गला स्मूद नहीं है। और गला स्मूद कब नहीं बनता है? जब चलते रियाज में पानी पी लेते हो। गरम तवे पे दो छांटे मार के देखना, या गरम बल्ब पे दो छांटे मार के देखना, जो बल्ब ऐसे हो जाएगा ना, फ्यूज हो जाएगा। वही हालत हमारे गले की होती है जब चलते रियाज में, रियाज के दौरान पानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, गर्म गला जो है वो ऐसे खराब हो जाता है, खराश पैदा होती है उसमें, यानी जो स्मूदनेस है गले के अंदर से इंटरनल, वो खराब हो जाती है। तो पानी नहीं पीना। फिर एसिडिटी हो जाती है कई बार गाते गाते, है ना, वो कैसे होती है, भरे पेट गाना गाने लगते हैं। अभी जैसे शुरुआती ये जो सेशन था, शुरुआती में आपने महसूस किया होगा, दो पांच मिनट में मेरे गले में खराश थी। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने महसूस किया, पर वो थी। मैं जब बात कर रहा था तो मेरा गला साफ नहीं था, अभी जितना साफ मैं बोल पा रहा हूँ, गले में बीच में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन शुरुआत में मुझे करना पड़ रहा था, मेरे गले में खराश थी। उसका क्या कारण था? कि मैंने क्लास से जस्ट पहले खाना खाया है, भोजन किया है, तो भोजन के तुरंत बाद गाना या एक्सेसिव बोलना, उससे भी खराश होती है। रेगुलर बोलते रहने से गले में अंदर पेन होने लगता है मसल्स में, उससे भी खराश होती है। तो ये प्रिकॉशंस हैं, इनको रख लीजिए। कम बोलिए, मृदुभाषी बनिए, मृदु यानी मीठा, मीठा बोलने वाला, कम बोलने वाला, ऑटोमेटिकली खराश नहीं होगी। आप देखते हैं टीचर्स को अक्सर खराश हो जाती है, कफ हो जाता है, क्यों होता है? बहुत बोलना पड़ता है क्लासेस में, टीचर्स को कितना बोलना पड़ता है, अभी देख लीजिए पिछले घंटे भर से मैं ही बोल रहा हूँ, आप में से कितना कम बोला है आप लोगों ने, तो मुझे खराश होने की चांसेस ही ज़्यादा हैं। अब आपको मैं प्रिकॉशन का भी महा प्रिकॉशन बताता हूँ, या ऐसा इलाज बता देता हूँ जो परमानेंट इलाज है, वो इलाज है सवेरे का रियाज। जब गले में स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी तो गला कितना भी बोल सकता है, पोटेंशियल जिसे कहते हैं ना, कि क्षमता है उसमें, कैपेसिटी है, फिर आप एक घंटा क्या दो घंटा बोल सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप में से कई लोग होंगे आधा घंटा गा सकते हैं,
दो गाने, तीन गाने, चार गाने, पांच गाने, मैक्स मैक्स टू मैक्स पांच गाने, एक के बाद एक बैक टू बैक आप गा रहे हैं, आपका गला थक जाएगा। महसूस करते हैं ये लोग, गले की थकान तो महसूस की होगी लोगों ने कि गला थक जाता है, भले वो बोलते बोलते भी थके या गाते गाते भी थके। वो थकान कैसे दूर होती है उसका इलाज नहीं बता सकता हूं मैं, प्रिकॉशन बता सकता हूं, या ये बताऊं कि ये चीज कर लो तो थकेगा ही नहीं। शरीर भी कैसे थकता है, क्षमता कैसे कम है, थकेगा ही नहीं कभी। रोज दौड़ लगाओ, रोज व्यायाम करो, वर्जिश करो, तो शरीर थकेगा क्या इतनी आसानी से? नहीं ना। शरीर में स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि आप रेगुलर दौड़ सकते हो या रेगुलर शारीरिक क्रियाएं कर सकते हो, शारीरिक काम आप कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल वर्कआउट आप कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो शरीर का। उसी तरह से जब सवेरे रियाज करते हो, जो लोगों का अभी सवाल भी आ रहा था कितने घंटे करना चाहिए, तो ये सवाल अपने आप में एक लूप है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना रियाज करो, और जैसे जैसे वो रियाज करोगे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये आपका पैराडॉक्स, पूरा लूप बनता है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, भैया मैं आधे घंटे ही गा सकता हूं उसके बाद गला बैठ जाएगा मेरा, तो आधा घंटा रियाज करो। उसके बाद जब रियाज करने लगोगे ना, सही वाला जो मैं बता रहा हूं, हर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सही वाला रियाज, सही वाला जब रियाज करने लगोगे तब धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा, रियाज का समय वो भी बढ़ता जाएगा। अभी मैंने शुरुआत में रियाज बताया तो मैंने बोला आधा घंटा किया करो, उसके बाद खुद ब खुद आपने 15-20 दिन किया तो आपने बोला यार अब तो कैपेसिटी हो रही है, पहले तो मैं आधे घंटे में थक जाया करता था, अब देखिए मैं 45 मिनट तक गा पा रहा हूं, तो आप 45 मिनट रियाज करेंगे, फिर 45 मिनट गाते गाते जो चीजें बताई, टेक्निक्स बताई, वो करते करते हाँ अब तो और बढ़ रहा है, तो आप एक घंटा रियाज कर सकते हैं। तो रियाज का समय आपकी क्षमता अनुसार है ना, और चीजें भी जो आप गा रहे हैं वो आपकी क्षमता अनुसार है।